सब किसानों का तूफान है ये। हम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता, ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं, ये खतरनाक स्थिति देश के सामने है। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, फैसला ये लिया है। हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो, और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे, और लड़ाई को लेकर चलेंगे, प्रधानमंत्री को आगे करेंगे। जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा, वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, एक दो दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा, अगर नहीं मिला ये कोई किराए पर नहीं आ रहे, फिर यही है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उस पर एक आंदोलन होगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये दो बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। सरकार को झुकाया एक बार फिर से? नहीं नहीं, कोई नहीं सरकार को, नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता, ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर इसको आज? ये एक समझौता है, और हमने उस समझौते पे डिमांड करी है, जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। कमेटी के साथ बैठक हुई सर, क्या कुछ चर्चा हुई? ये सारे इस ऊपर चर्चाएं हुई। राज सब कर देगा, ऊपर ले वाला है ये। हाँ, ये प्राकृतिक फैसला होना सब। सारे दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह पे, और हम तो इकट्ठा ही, हमको अलग अलग थोड़ा भाई, खेती बड़ी है, कोई कहीं कर रहा कोई कहीं कर रहा, जब ब्याह शादी हो, हारी बीमारी हो, सब अपना इकट्ठा हो जा। हाँ, केस तो वापस कर दिया जाएगा, केस सारू की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे। अरे आ जाएंगे, अभी क्या को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। सर जेवर में भी लड़ाई चल रही है किसानों के हक को लेकर, वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का बड़ा इशू है, और जेवर जैसे एयरपोर्ट कई देश में बढ़ रहे हैं, उनकी लड़ाई है, अधिग्रहण का इशू है, 64% का इशू है, जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं उसका इशू है, ये बड़ी लड़ाइयां हैं। है जी, हाँ तो जेवर में तो लड़ाई चली रही। ट्विटर के सीईओ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था भारत सरकार का, कि जो भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके ट्विटर बंद कर जाए, और बहुत ट्विटर बंद किए भी हैं हमारे किसान संगठन के भी, कई ट्विटर बंद है, ट्रैक्टर टू ट्विटर बंद है, किसान मोर्चे का ट्विटर बंद है, कई पत्रकारों के ट्विटर बंद है, ये प्रेशर बिल्कुल है, घोषित आपातकालीन है, सब देश को पता है, पूरा देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है, यहाँ से बहुत देश से उद्योगपति देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ये खतरनाक स्थिति देश के सामने है। जी, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, न हम चुनाव लड़ेंगे न हमारा चुनाव। अरे पता चल जाएगा जितनी में बनी, ठीक है, नहीं बनी तो फिर आंदोलन सही।